नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। रीवा के बीहर नदी में डूबे बालक और महिला का आज शव बरामद कर लिया गया। बीते दिन एसडीआरएफ की टीम ने दोनों के शव को बरामद करने की कोशिश की थी, लेकिन पानी के तेज बहाव के चलते एसडीआरएफ नाकाम रही थी। बाणसागर नहर का पानी बंद कराने के बाद एसडीआरएफ की टीम ने फिर से अभियान चलाया और दोनों शव बरामद करने में सफलता पाई। महिला रीवा से लगभग 25 किलोमीटर दूर टीकर गांव में सुबह सवेरे नित क्रीक ली गई थी। उसका पैर फिसला और वह पानी के तेज बहाव में चली गई और डूब गई। वहीं जो लड़का डूबा था वह रीवा में का था, 9 साल का था। उसका नाम था ऋषभ विश्वकर्मा, पुत्र पवन विश्वकर्मा। उसका पैर फिसल गया था जब उसके पूरे परिवार के लोग पुष्पराज नगर के ऐतिहासिक लखौरी बाग के राधा कृष्ण मंदिर से धूमधाम से भागवत कथा का शुभारंभ के अवसर पर बड़ी संख्या में विश्वकर्मा परिवार के लोग घाट पर पहुंचे थे। उसी दौरान 9 साल के बालक ऋषभ विश्वकर्मा, पुत्र पवन विश्वकर्मा का पैर फिसला। परिवार के सामने ही वह नदी के तेज बहाव में चला गया। घर वालों ने बचाने की कोशिश की लेकिन नाकामयाब रहे। उसका भी शव आज एसडीआरएफ की टीम ने बरामद कर लिया है। चलो, हाँ ठीक ठीक, चलो मोबाइल मंगा के राजेश सर है, वीडियो बनाओ यार, मोबाइल बनाओ बनाओ, मोबाइल वीडियो बनाओ, हाथ पकड़े रहा तो मैं बना रहा हूँ, पकड़ चल, चलो चलो आराम से उठाना, नीचे हाथ लगा, नीचे हाथ लगा, डोडियार हाथ लगा, आराम से करो, आराम से ऊपर उठा ले और उठा उठा, नीचे हाथ लगा ले, ताज़ातरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।